वेलकम बैक टू योर चैनल माय डियर स्टूडेंट। वन वर्ड की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, वन वर्ड की पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ से विजिट कर सकते हैं, या कि फिर वीडियो को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 तक ये बना हुआ है। और भी बहुत सारे वन वर्ड के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अपलोड की जा चुकी हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको ज़रूर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। और साथ ही साथ ये आज की इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, बहुत से इंपॉर्टेंट आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे जो कि एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे पहला यहाँ पे है कि एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज अ सैंपल, यानी किसी भी चीज़ का एक छोटा सा ऑब्जेक्ट या कि फिर छोटा सा पोर्शन जो सैंपल के लिए दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वन वर्ड में स्पेसिमेन। ज़्यादातर आप इस चीज़ को देख पाएंगे इंस्टीट्यूट वगैरह में, कोचिंग्स वगैरह में, जैसे हम लोग के यहाँ कोचिंग में वो सब आके जो बुक वाले जो पब्लिशर होते हैं वो अपना सैंपल देते हैं, बोलते हैं सर आप इस जो कॉपी है, ये जो हमारी कॉपी है इससे आप अपने क्लासेस में पढ़ाइए, ताकि बच्चों को जब दिखेगा कि आपके हाथ में फला राइटर की बुक है तो वो उसको ख़रीदेंगे, या आप अपने क्लास में इस बुक का जो है कि प्रचार करिए, इस प्रकार से वो दिया जाता है सैंपल के तौर पे। उसको स्पेसिमेन बोलते हैं, उस पर लिखा भी रहता है स्पेसिमेन, उसको आप बेच नहीं सकते, वो सैंपल के लिए ही आता है। तो इसी प्रकार दवाइयाँ भी सैंपल के लिए आती हैं, सारी चीज़ें जो सैंपल के लिए आती हैं जो दिया जाता है उसको स्पेसिमेन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल आर पॉपुलर वोट टू पॉपुलर वोट। कहने का मतलब ये है कि लोकप्रिय वोट के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अभ्यास करना, जिसको बोलते हैं रेफरेंडम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जगह। रेफरेंडम मतलब होता है जनमत, यानी कि लोगों का मत। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है टॉकिंग अबाउट द अफेयर ऑफ अदर पीपल, यानी कि दूसरे लोगों के अफेयर के बारे में बात करना। देखिए, अफेयर का मतलब होता है मामला, जैसे करंट अफेयर यानी जो तत्काल में मामले घटित होते हैं उसको करंट अफेयर बोलते हैं, तो उसी प्रकार अफेयर का मतलब होता है मामले, जो मामले चल रहे होते हैं दो लोगों के बीच में तो उसको बोलते हैं अफेयर्स। तो किसी दूसरे के अफेयर्स या कि फिर चक्कर के बारे में बात करना उसको बोलते हैं गॉसिपिंग, यानी GOSSIPING। गॉसिपिंग का मतलब ही होता है गपशप करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते लेते हैं यहाँ पे, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, यानी कि मृत्यु के बाद जब बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी कि जो शव की परीक्षा की जाती है उसको ऑटोप्सी बोलते हैं, AUTOPSY। ऑटोप्सी का मतलब भी होता है शव परीक्षा। ठीक है, तो और नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है अ पर्सन बोर्न और लिविंग एट द सेम टाइम एज अनदर, यानी कि एक व्यक्ति जो एक ही समय में जन्म लेने या कि फिर रहने वाला है एक ही साथ में, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन, यानी एक ही काल में एक ही समय में पैदा होने वाला या रहने वाला चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना वन वर्ड। आप बाकी चीज़ों के लिए और सारी वीडियो बनी है आप देखते रहिए, वहाँ से सीखते रहिए, और जो चीज़ें नहीं समझ में आए आप पूछते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।